प्रेम रतन धन पायो पायो प्रेम रतन धन पायो पायो प्रेम रतन धन पायो पायो प्रेम रतन पायो। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आंखें क्यों चल रही है अभी से? सर मैथ्स कैसे करूं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे क्लास नोट्स कर ले, काम बन जाएगा। ठीक है, अभी कुछ सीरियस बच्चे हैं वो रुक जाओ, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो तो एक बार देख लेते हैं। कोई डाउट है? लोलो है क्या यहाँ पे? अनुराग भाई, अच्छा 24 मई से पहले है? ओ भाई कोई नहीं यार, बढ़िया है ना, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यार देखो, अगर पेपर टफ हुआ ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, नॉर्मलाइजेशन में ना जिनका पेपर टफ आता है उनके नंबर बढ़ते हैं, फायदा हमेशा उनको मिलता है। जिनका पेपर टफ आता है ना उनको हमेशा फायदा मिलता है क्योंकि उनके नंबर बढ़ते हैं बाद में। सॉल्व हुए थे क्या ये? क्या है सर? एनटीए मॉक टेस्ट नहीं खुल रहा? कोई बात नहीं शिखा बेटा, नहीं खुल रहा ना, मैंने यहाँ पे इतने सारे टेस्ट करवाए वो देख लेना बेटा शिखा, है ना। और बाकी मैं ना कल एक काम करूंगा, मैं कल एक वीडियो बना दूंगा कि वो जो इंटरफेस है एग्जाम का कि कहाँ पे क्लिक करना है, पासवर्ड कैसे डालना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे शिफ्ट कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, और उसके अलावा कि मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, ठीक है, क्लियर कैसे करते हैं, रेस्पॉन्स टाइमर कहाँ है, एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जाने का टाइम नहीं है, पता नहीं कैसे टेस्ट देना है, हमें तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता। भाई बता देगा, ठीक है। और बताओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? मुझे नहीं पता बेटा, काम मेरा काम पढ़ाने का है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। अच्छा 21 को है, ऑल द बेस्ट बेटा। इतने सर आप सॉल्व हुए थे क्या? मैं सॉल्व हुआ था? मैं पैदा हुआ था बेटा, मैं सॉल्व नहीं हुआ था ना, मैं अवतरित हुआ था, मैं पैदा हुआ था। सर क्वांट में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्वांट में। काम कर बेटा, अब तो देख टाइम जिस हिसाब से मैंने देखो जो क्लास नोट्स कराए है ना, मैंने समझाया एक एक चीज यहाँ क्लास में, तुम खुद जानते हो, वो क्लास नोट्स कर लो वो तो हो जाएंगे ना, इतना ईजी आता है मैथ्स, ज्यादा बड़ा टफ नहीं आता है। ठीक है सर, मेरा सिटी इंटिमिडेशन टू बी इन्फॉर्म लेट शो हो रहा है, तो ये मैंने वीडियो बनाया ना बेटा आज, उस पर सब कुछ आज मैंने CUET वाला यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बनाया वो देखना, और उसमें आपके जितने भी डाउट थे मैंने सारे क्लियर किए हैं। और दूसरी बात, जिनका 24 के बाद पेपर है ना, 24 मई के बाद, अब जैसे देखो इन 21 वालों का पेपर का इंटिमेशन कब आया है? एक हफ्ते पहले। तो आपका ना ये मान लो कि 18-19 मई को आपका सिटी इंटिमेशन आ जाएगा करीब करीब। अब पैटर्न ऐसे ही इन अपन करेंगे कि भाई जिनका 24 के बाद पेपर है ना उनका 18-19 मई को आप चेक करते रहना वेबसाइट, आप चेक करो नहीं करो तो भी मैं चेक कर लूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का और आप मेरा वीडियो देख लोगे और आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है और बताओ बाकी आपको जो है जीके के नोट्स दे दो। हाँ बेटा कल आपको दोपहर में 2 या 2:30 बजे के बीच में मिल जाएंगे, प्रॉमिस 100%। ठीक है और बताओ, आज तो आपकी क्लास मिस कर दे, वो आपके ऊपर है, अप्रैल का करंट अफेयर्स है, अगर आपने कर रखा है तो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा कराऊंगा। जनरल अवेयरनेस PDF कल मिल जाएगा 2:30 बजे, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती। ठीक है 22 को है, अच्छा है चलो बढ़िया करो। ओके और बताओ, स्ट्रेटेजी भी बता दीजिए बेटा। अब तो क्या बताऊं, 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताई थी, अब तो यही है कि जो पढ़ रखा है उसी को बस रिवाइज करो, नया कुछ मत उठाना। ठीक है चलिए, कंपार्टमेंट आया कोई नहीं, दोबारा एग्जाम देके पास हो जाना और क्या, बस ठीक है। ओ थैंक यू, कंपार्टमेंट कोई नहीं सर, ब्लड रिलेशन साइंस सब करा दिया बेटा सर, अगर थोड़ा थोड़ा मैथ्स आ रहा, अरे काम हो जाएगा अपना, मैंने बता दिया ना कितने क्या सवाल है। तो जिनका 24 मई के बाद पेपर है उनका 18-19 मई के बाद आ जाएगा। ठीक है बेटा करें स्टार्ट, ब्लड रिलेशन की भाविया नहीं हो रहे हैं तो रोज भाविया रोज आके बेटा, जितना तू है ना यहाँ स्पैम करती है, मैसेज करती है, ब्लड रिलेशन नहीं आते, अगर इतनी मैंने तूने ब्लड रिलेशन को समझने में की होती, भले मेरे वीडियो से कर, या दुनिया में 1000 लोगों ने पढ़ाया होगा उनसे करती ना, अब तक है ना ब्लड रिलेशन तेरे टिप्स पे होता बेटा। तो भाविया बेटा यहाँ स्पैमिंग करने से बढ़िया है कि तू उसको जाके सीखे, मैंने पढ़ा रखा है ब्लड रिलेशन। ठीक है स्टार्ट करें हिंदी में, यार देख बेटा सुधा मेरे को लग जाएगा टाइम 1-2 दिन का, मैं पहले ही कह दूं, इंग्लिश में अभी हो रहा है, हिंदी में हो जाएगा 1-2 दिन लग जाएगा, 24 घंटे तो मान के चलो एटलीस्ट, बुधवार, और अगर बुधवार तक नहीं हुआ तो गुरुवार तक दे दूंगा। ठीक है स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का टाइम बहुत बहुत कीमती है। ये बुक लिस्ट है, मैंने आप लोगों को बताई थी UPSC वाली,
ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी इसको स्किप कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आता हूँ। तो जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका ने स्टार्ट किया था कि भाई हम एक ग्रुप बना के रहेंगे, कोई भी किसी को मारने आएगा हम सब मिलके उसको मारेंगे, ये नाटो का फंडा है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर है नया फिनलैंड, इसका नया मेंबर बन रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? हेडक्वार्टर ऑफ नाटो है ब्रुसेल बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम। और इंडिया जो है इन तीन नए ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बना है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा? 18 को आएगा बेटा, 18 को। यूनाइटेड नेशन एक तो स्टेट्स कमीशन का है, ड्रग प्रिवेंशन कमीशन का है, और फिर तीसरा बना है एचआईवी एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बॉडी। फिर अगला है कि इटली में, इटली वो देश है जहां पे फॉरेन लैंग्वेज को बैन कर दिया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो लॉ फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश इन इटली, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इटली के अंदर इन्होंने इंग्लिश को बैन कर दिया है, ठीक है बेटा। 1949 याद रखना, ये बच्चा सही कह रही है पलक, नाटो ना 1949 में बना था, ठीक है। एम एफ हाइड्रा क्या? एक तरह की फेरी है जिसमें आप गाड़ी या आप खुद भी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो आप इसमें लेके जा सकते हैं, समुद्र या जो ओशियन या सी के रास्ते, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन से चलने वाला है, वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, नाम क्या उसका? एम एफ हाइड्रा। एम एफ हुसैन की तरह आप याद रख सकते हो, एम एफ हाइड्रा, ठीक है बेटा। अगला, ये मलेरिया की एक वैक्सीन आई है, इसका नाम ध्यान रखना है, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन, नाम है R21 मैट्रिक्स है। और वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने ये अपने देश में लागू कर दिया या मतलब अलाउ कर दिया है? तो वो है घाना। घाना कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। ये हमारा सवाल बनता है, नाम पूछ लेंगे कौन सा कंट्री था, ठीक है बेटा। अब नेशनल न्यूज पे आते हैं, मैं जल्दी जल्दी है ना थोड़ा, क्योंकि ये देखो इनमें से काफी न्यूज ऐसी जो मैंने मैराथन में कराई थी, जो मैराथन में नहीं है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा डिटेल में, बाकी जो बता रखी उनको इसलिए मैं फटाफट की, आपका रिवीजन हो रहा है तो। और अप्रैल का करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट महीना है, इसमें से सवाल ज्यादा आएंगे, इसलिए मैं इसको फिर से डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एंड में अपन सवाल भी लेंगे इस पे, जितने सवाल बन सकते हैं ना एंड में मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान लगा के पढ़ना, एंड में सवाल पूछूंगा, दूसरी बात आपके भी डाउट ले लूंगा एंड में, ठीक है। फिर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, जो बौद्ध लोग होते हैं ना बौद्ध धर्म के, उनका जो है समिट हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, समिट मतलब सम्मेलन हुआ है। अब वो कहां हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं, आगे है G20 के बारे में, इस साल कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। लास्ट ईयर कहां हुआ था? बाली। बाली कहां पर है बेटा? इंडोनेशिया के अंदर है। और इसके अंदर हाँ जो थीम है इस साल की वो हमने रखी है वसुधैव कुटुंबकम। क्या नाम रखा है? वसुधैव कुटुंबकम। ये यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। हमारे शेरपा कौन है G20 के? वो है अमिताभ कांत, ठीक है। ये मैं एंड में पूछूंगा सवाल, तब याद रखना बेटा। फिर उसके अलावा G20 के मेंबर्स ये सारे हैं जो आपको यहाँ लिस्ट दे रखी है, इनमें वैसे आपसे रेयर ही पूछेगा, 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। और G20 अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ GDP, ये आपके मान लो यूपीएससी के हिसाब से काम का एक मैंने आपको आइडिया दिया कि G20 कितना पावरफुल है, बाकी अपने यहाँ एग्जाम में नहीं पूछेंगे। फिर एक नई नेशनल पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं थी, दिल्ली में थी सिर्फ, है ना, तो वो एक स्टेट पार्टी आप कह सकते हो, लेकिन अब जो है ये एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस पार्टी को पहले से और दूसरी थी, अब जो है आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया बता देता हूं जो कि मैंने उस दिन नहीं बताया था आपको मैराथन के अंदर, है ना। डेविल भाई बेटा पढ़ ले, हाँ एंड में बता देना, ठीक है, एंड में बता देना मुझे कौन है कहाँ की क्या है, ठीक है। कंडीशन फॉर गेटिंग नेशनल पार्टी स्टेटस, तो देखो पहली कंडीशन ये है, अगर एक पार्टी जो है कोई रीजनल पार्टी है चार स्टेट में उसको रीजनल पार्टी का दर्जा मिल गया हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, अगर एक पार्टी जो है 3% ऑफ लोकसभा सीट जीत जाए तीन स्टेट से, लोकसभा में सीटें कितनी है 543, उसका 3% सीटें अगर वो जीत जाता है तीन स्टेट से, एक स्टेट से नहीं तीन स्टेट से, तो उस केस में भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इफ ए पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द वोट्स इन फोर स्टेट, भले ही उसको सीट वो जीता हो कितनी वो बाद में देखेंगे, अगर उसको टोटल 6% वोट मिले, वो भी चार स्टेट को मिला के, इन एडिशन टू फोर लोकसभा सीट, उसके अलावा उसको चार सीट तो 543 में से आनी चाहिए, ये चार लोकसभा की सीट आई हो या असेंबली की आई हो, लोकसभा क्या असेंबली भी चलेगी, ठीक है, तो उस केस में उसको हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। फिर जो UIDAI है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये वही है जो आपका आधार कार्ड बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो इसने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक पैक्ट किया है, किस लिए? टचलेस बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक टचलेस कौन सा हो गया? रेटिना वाला, कि रेटिना से आपका अभी क्या होता है, हम जैसे आधार की शॉप पे जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं सिम वगैरह लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए, अब क्या होगा, आपके रेटिना से स्कैन होगा। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने पार्टनरशिप की है मीडिया एंटरटेनमेंट और पब्लिक अवेयरनेस के क्षेत्र में या उस फील्ड में। किसके साथ? अमेजोन के साथ। अमेजोन के पास देखो खुद का अमेजोन प्राइम, अमेजोन वेब सीरीज, ये सारा है। तो ये क्या करेगी, उसके थ्रू मीडिया एंटरटेनमेंट और पब्लिक को अवेयर करेगी बेटा, ठीक है? तो किसके साथ? अमेजोन के साथ। नेटफ्लिक्स नहीं है ना, और कोई एमएक्स प्लेयर, कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। अगला आता है गज उत्सव। गज उत्सव नाम से ही पता पड़ रहा है, हाथियों का उत्सव है। इसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहां पर किया था? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। तो यहां पर हमारे दो तीन सवाल जो भी बन रहे, गज उत्सव कहां पे हुआ? यहां पे हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इतने सारे सवाल हो गए। उसके अलावा असम में एक और फेमस पार्क है, उसका नाम है मानस। ये दोनों ही, काजीरंगा और मानस जो है असम में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों असम के अंदर है। उसके अलावा ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमें इतना तो पता है नेशनल एनिमल कौन सा है, लेकिन कहीं कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? एलिफेंट। कौन है? एलिफेंट है, इसलिए गज उत्सव। अब है स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ चुका है। हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ चुके हैं स्टील प्रोडक्शन में। इंडिया एमर्जेस सेकंड इन स्टील प्रोड्यूसर। रैंक आ जाएगा कि इंडिया कौन से रैंक पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप फर्स्ट लगा दोगे? नहीं, सेकंड पे, ठीक है, अभी भी सेकंड पे। फिर आता है ऑपरेशन कावेरी। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी की स्पेलिंग ये सही है। तो ऑपरेशन कावेरी किस लिए, एक्चुअली मैं अब आज तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। मैराथन में तो हम इतना बेटा नहीं बता सकते थे ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली इश्यू को। सूडान के अंदर है ये, क्या चीज है? हाँ, चाइना फर्स्ट, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा, सूडान के अंदर ना पहले डेमोक्रेटिक, पहले यानी कि सूडान जो है पूरा एक बड़ा सा था, फिर वही जहां अमेरिका घुस गया वहां टुकड़े हो नहीं है, और जो अफ्रीका है वो मिनरल रिच कंट्री है, वहां सोने की खदाने हैं, डायमंड की है, काफी सारी खदानें, मिनरल जहां वहां अमेरिका पहुंचेगा। तो एक तरीके से ना इतना बड़ा कंट्री था काफी, सूडान जो है इतना बड़ा कंट्री था, तो वहां ऊपर के लोग और नीचे उनमें ना आपस में झगड़ा होने लग गया, काफी वहां के लोगों में झगड़ा होने लग गया। तो एक तो रह गया सूडान और एक अलग देश बन गया था साउथ सूडान। साउथ सूडान ये करीब 2011 में एक अलग देश बन गया था, ठीक है। तो साउथ सूडान तो बन गया, वो तो अपना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। अब हुआ ये क्या कि वो थी वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जो वहां की आर्मी थी उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया, तो वहां का जो मिलिट्री जनरल था, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कौन चला रहा है, पाकिस्तान में भी मिलिट्री चला रही है, सेना चला रही है पूरे देश को, आज भी यही हाल हो रहा है, इमरान खान को जेल में डाल दिया। अब पाकिस्तान का भी इशू है, वो मैं एक्सप्लेन यहाँ बाद में करूंगा बेटा, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है क्लास, ठीक है, बाकी मैं कर दूंगा। वैसे मुझे बताने भी है, मणिपुर के बारे में बताना है, पाकिस्तान के बारे में बताना है, पहले इसका बता देता हूँ। तो सूडान में क्या हुआ ना कि वो मिलिट्री जनरल आ गया था, वो आपका जो है पावर में रहा था 1989 से लेके अभी 2019 तक, और उसी के कार्यकाल के दौरान ये साउथ सूडान बना। तो फिर हुआ क्या कि 2019 में उसका एक और मिलिट्री जनरल था और उसका एक डिप्टी और था, उन दोनों ने मिलके उसको हटा दिया, वही हिस्ट्री रिपीट हुई, उसके मिलिट्री जनरल ने उसको हटा दिया, फिर ये दोनों मिलके रहने लगे, ठीक है, जनरल और डिप्टी जनरल जो नए आए। फिर अब क्या हो रहा है कि एक जो है कोई मतलब रैपिड फोर्स जो है उसका हेड है और दूसरा जो है जो नॉर्मल मिलिट्री होती है उसका हेड है। तो अब जो है उन दोनों के बीच में जंग शुरू हो गई, क्योंकि यहां पर एक बैकवर्ड एरिया है, तो वहां से वो रैपिड फोर्स वाला जो डिप्टी नहीं है, डिप्टी जनरल, वो इन दोनों से बिलोंग करता है, और यहां पर ना नील नदी, नाइल रिवर चलती है, तो उसके साइड में यहां पर ना एलीट मतलब अमीर लोग जो है बड़े लोग वो रहते हैं, और वो जो जनरल है वो यहाँ के एरिया का है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा नेता होना चाहिए, तो वो जो डिप्टी कह रहा है वो कह रहा है कि इस कंट्री को मैं संभालूंगा, इसको जो है राज भाई करेगा, लेकिन वो कह रहा है नहीं ये भाई करेगा। तो फिर वो दोनों के बीच में जंग छिड़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो रैपिड आर्मी वाले हैं इनके जवान,
तो उनके ऊपर ये जो मिलिट्री जनरल वाला है जो पूरे देश को संभाल रहा था, तो वो फाइटर प्लेन वगैरह इनसे बॉम्ब वगैरह गिरा रहा है उनको मारने के लिए, उस चक्कर में सिविलियन भी मर रहे हैं, तो वहां पे अगर इंडियन सिविलियन है तो वो भी मर रहे, सीधी सी बात है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जितने भी इंडियंस यहाँ पे उनको खींच के ला रहा है। तो ये आपका जो आप देख रहे हो सूडान, ये एक्चुअली है पता है कहां पे? मैं अगर आपको अफ्रीका का मैप बना के बताऊं तो आपका यहां पर इजिप्ट हो गया और यहां पे आपका आता है ये सूडान आता है, ठीक है, यहां पे आपका सूडान आता है और यहां पे आपका ये गल्फ है, तो यहां पे आपका ये पूरा करीब सऊदी अरेबिया आता है और यहां पे जेड्डा है, ठीक है, जेड्डा ये पॉइंट। तो अब वहां पे तो वही है कि आप जाओगे अगर अपना फ्लाइट लेके तो आर्मी वाले उड़ा दे। तो हमने क्या किया कि हमारा जो प्लेन वगैरह था जिससे हमें लोगों को लाना था उसको भेजा यहाँ जेद्दा सऊदी अरेबिया ने, और जो भी हमारे भारतीय लोग यहाँ पर थे उनको समुद्र के रास्ते से, ये यहाँ पे रेड सी है बीच में लाल सागर रेड सी, तो उससे जो है यहाँ पे जेद्दा लेके आए, फिर जेद्दा से हमने प्लेन के अंदर बैठाया और फिर उनको घर लेके आए। ये कहानी है। अब बात बाकी पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि पाकिस्तान में हल्का सा बता देता हूँ, पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो इमरान खान थे तो एक कंपनी थी वहां पे, उसने कुछ जो है टैक्स चोरी वगैरह किया था, तो उसको वैसे उसका जुर्माना बनता है 190 मिलियन का, ठीक है, 190 मिलियन रुपीस, वहां पे भी रुपया चलता है, ठीक है, पर वो अलग रुपया, उस पर जिन्ना का फोटो होता है, ठीक है, वो गांधी वाला रुपया नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे लेके आओगे तो नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि सेटलमेंट कर दिया कि हाँ करीब यानी कि 5 या 50 मिलियन आप मुझे दे दो, कुछ जमीन दे दो, बोला ठीक है। तो उससे उन्होंने रुपए ले लिए और एक एनजीओ बनाया, हर कोई है ना एनजीओ के नाम पे, काफी लोग आजकल ना फ्रॉड करते हैं, तो एनजीओ बनाया कि उस ट्रस्ट के नाम पे पैसे लिए, कॉलेज बनाया, कॉलेज में कितने 8 मिलियन ही खर्च किए, बाकी का कोई हिसाब किताब नहीं 80 मिलियन में से। तो फिर अभी वो उस पर केस वगैरह चला, प्रोसीडिंग हुई, तब पता लगा कि इमरान भाई और उनकी बीवी जिनके नाम पे वो ट्रस्ट था इन्होंने फ्रॉड किया है। लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इमरान भाई जो है रॉ के एजेंट है। रॉ क्या होता है कई बच्चों को ये भी नहीं पता है, ठीक है, रॉ का होता है फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि हमारी एक्सटर्नल एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, जैसे इसराइल की मोसाद है, पाकिस्तान की ISI है, उसकी तरह। और रॉ के एजेंट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपके मतलब वो ऐसे नहीं लगता कि हाँ कि ये रॉ का एजेंट है, वो हो सकता है कि किसी बैंक में काम कर रहा हो, किसी कंपनी में काम कर रहा हो, आपके गली में झाड़ू लगाने आता हो, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, हो सकता है वो आपको पढ़ा रहा हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है, आप उसको देख के नहीं कह सकते कि है ये रॉ का एजेंट है। इसलिए उनका जो है, अब हो सकता है इमरान भाई भी हमारे जो है रॉ के एजेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि अब वो उनका फ्रॉड सामने आया, तो वहां का जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, वो लाहौर से आए थे इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होने, वहीं उसको जो है पुलिस आर्मी वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही ये कहा था कि ISI मुझको किसी भी दिन मरवा सकती है, ठीक है। तो अगले ही दिन पकड़ लिया उसको, अंदर डाल दिया जेल में, और जैसे ही अंदर जेल में डाला लोग उसके सपोर्ट में आ गए, इसीलिए जो है राहुल बाबा को अंदर नहीं डाल रहे, क्योंकि हो सकता है लोग सड़कों पे आ जाए, है ना, हो सकता है लोग सड़कों पे आ जाए। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि लोग सड़कों पे आ जाए, लोगों ने जो है बिल्डिंगें जला दी, जैसे आपने ऑल इंडिया रेडियो नहीं है वैसे के वैसे, वहां पे जो उनका नेशनल ऑल इंडिया रेडियो जो भी कंपनी है, तो उसकी बिल्डिंग जला दी, खूब लोगों को मार दिया, पूरा वहां पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए आगजनी की है। आपको आइडिया लग गया होगा हल्का हल्का कि पाकिस्तान में क्यों दंगे फसाद हो रहे हैं और क्या मैटर है, ठीक है। तो अब कावेरी सूडान का मैटर समझ आ गया, तो सिविल वॉर चल रहा है, मतलब यानी कि आपस में दो मिलिट्री, ये पैरामिलिट्री और नॉर्मल मिलिट्री दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपसे कोई पूछेगा कावेरी का संबंध किससे है, ऑपरेशन कावेरी अनरेस्ट हिट सूडान से, या अनरेस्ट हिट सूडान से जो लोगों को हम बचाकर लेके आए, ठीक है, जो हम लोगों को बचा के लेकर आए हैं, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। इस्माइल भाई पढ़ लो तुम बेटा, ठीक है, अब आगे चले, ये हो गया जेड्डा में लेके आए थे, ठीक है। अब द फ्लाइट कैरिंग 360 इंडियंस, ये हमने पढ़ लिया, द हाउस्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट, ये वही भाई साहब जो जिन्होंने 1987 में पावर सीज कर लिया था कंट्री में, बसीर, ठीक है, इसको हम बसीर कह के बुलाते हैं भाई, मिलिट्री जनरल से इन अप्रैल 2019 फॉलोइंग वाइड स्पीड प्रोटेस्ट इज एट द हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान, ठीक है। चलिए अगला है ये, अच्छा देखो मैंने मैराथन में ये सारे ऑपरेशंस नहीं बताए थे, मैंने यही बोला था ना मैं आपको थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, अब तक कौन कौन से ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना, ये आपका स्टैटिक जीके चल रहा है, ठीक है, स्टैटिक में काम आएगा,
अब स्टैटिक जीके का ये बता देता हूँ, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा लास्ट ईयर लॉन्च किया था जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो गया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। रशिया के कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और दोनों के बीच में जंग छिड़ गई थी। क्यों छिड़ गई थी? यूक्रेन ने धमकी दे दी थी पुतिन भाई को कि भाई देख मैं नाटो ज्वाइन कर लूंगा। उसने कहा तू ज्वाइन करके दिखा। उसने कहा मैं करूंगा कि तू मेरे हाथ लगा के दिखा। और उसने हाथ लगा दिया और भाई ऐसा हाथ लगाया कि यानी कि भागना पड़ गया लोगों को वहां से। तो इसीलिए वहां पे जो हमारे बच्चे एमबीबीएस करने गए थे उनको फिर हम वापस लेके आए और उनको इस ऑपरेशन के तहत लेके आए, ऑपरेशन गंगा। ये याद रखना ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर, आपसे कोई पूछ ले ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है तो बेटा इससे, ठीक है। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका संबंध किससे? अफगानिस्तान से। हुआ ये था कि 2001 में वो ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड पार्क अमेरिका उड़ा दिए थे। किसने? ओसामा बिन लादेन ने। एक तो ये कई बार पता है ओबामा पूछते हैं, एक तो लोग है ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि लोगों को पूछते हैं कि बताओ बराक ओबामा कौन थे, तो कह रहे हैं अच्छा वो एक अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे। अरे भाई बराक ओबामा अलग इंसान है, वो जो यूएस का प्रेसिडेंट था, और ओसामा बिन लादेन एक अलग था, ठीक है। दोनों अलग अलग परेशानी, ओसामा ओबामा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 20 साल तक माता और यानी कि हर एक प्रेसिडेंट ने ये बोला कि हम अपनी आर्मी को ले आएंगे, लेकिन नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि जैसे ही वापस लेके आओगे तालिबान पावर में आ जाएगा, क्योंकि तालिबान को मिटा ही नहीं पाए। रीजन क्यों है? क्यों नहीं मिटा पाए? क्योंकि तालिबान वाले क्या करते हैं भाई, चुपचाप आते हैं, अमेरिकन सोल्जर को उड़ाया और वापस जाके गांव में ऐसे चुपचाप बैठ गए। पता ही नहीं पड़ता है कि ये इंसान जो है एक गांव का आदमी है कि ये टेररिस्ट है, तालिबान का है, नहीं पता पड़ता। तो हुआ ये कि अब काफी अमेरिकन सोल्जर्स भी मर रहे थे और अमेरिका का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा था। तो इन्होंने फिर यानी कि ट्रंप ने भी यही बोला कि नहीं मैं वापस लेऊंगा, लेकिन नहीं ला पाए। फिर फाइनली भी जो बाइडन ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, और जो बाइडन वापस ले आए अपनी सेना को, और जैसे ही लेके आए वहां पे तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान पे, वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब भाग गए, ठीक है। ये चीज है, दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, हो सकता है भाई। तो ये चीज है, तो वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया तो जितने इंडियन थे वो तो एक खतरे में पड़ गए। फिर जो अफगानी हिंदू थे सिख थे उनको, क्योंकि तालिबान काफी कट्टर थोड़ा उस तरह का है, ठीक है, तो फिनेटिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कट्टर को क्या कहते हैं? फिनेटिक। तो वहां से क्या है कि फिर उनको वापस लेके आए हमारे लोगों को। तो अफगानिस्तान से जो लेके आए वापस से, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अब देखते हैं आपके ऑपरेशन वंदे भारत। वंदे भारत किस लिए था? जो कोविड के टाइम पे दूसरे देशों में लोग फंसे हुए थे उन लोगों को हम वापस लेके आए थे फ्लाइट के थ्रू, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ कोरोना एपिडेमिक, तो पहले था, यहां गलत है, पेंडेमिक, ठीक है। अब पेंडेमिक, तो वंदे भारत वो चीज थी, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी कोविड में लोगों को वापस लाने वाला ऑपरेशन था, लेकिन समुद्र सेतु, समुद्र के रास्ते, शिप में भर के लेके आए थे वो था, ठीक है। समुद्र सेतु ये रहा कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, ये चीज। अगला देखते हैं ऑपरेशन मैत्री। मैत्री का संबंध किससे था? 2015 में नेपाल में भूकंप आया था बहुत बड़ा तेज, ठीक है, काफी लोग वहां मारे गए थे। तो जब भी कहीं भूकंप आता है तो इंडिया जो है राहत कार्य के लिए भेजता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि वहां पे लोग मलबे के नीचे दब गए थे, तो उन लोगों को निकालना वहां से, फिर उसके अलावा वहां उन्हें दवाइयां देना, पानी देना, खाना देना, इंडिया सबसे पहला था जिसने नेपाल में सहायता भेजी थी। तो 2015 में वो भूकंप आया था कहां पे? नेपाल में। तो उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया था? ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। अगला है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है 2015 में किया गया था, यमन में भी सिविल वॉर चल गया था, और जो यमन में सिविल वॉर था उसमें सुडान वाले भी गए थे, वो जो नहीं थे डिप्टी जनरल, वो वहां पे गए, उन्होंने हाउथी रिबेल्स वगैरह को मारने का काम किया। हाउथी रिबेल्स को सपोर्ट करता है ईरान, ईरान है शिया डोमिनेटेड, सऊदी अरब है सुनी डोमिनेटेड, दो तरह के मुसलमान होते हैं शिया और सुनी, ठीक है। तो वो जो हाउथी रिबेल्स थे उनको सपोर्ट करता है ईरान, तो इस वजह से। और ये जो सुडान है वो उसमें सुनी मुस्लिम्स काफी है, वैसे क्रिश्चियन भी है वैसे, बट सुनी मुस्लिम काफी है। तो एक तरह से वो सऊदी अरेबिया के साथ हो गया, तो उसने वहां जाके हाउथी जो रिबेल्स थे उनको, विद्रोहियों को खूब मारा था। तो ये ऑपरेशन राहत जब यानी कि सिविल वॉर हो गया था यमन में, तो वहां भी जो इंडियन फंसे थे उनको निकालने का काम किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। सिविल वॉर ब्रोक आउट इन यमन। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। सेफ होम कमिंग क्या हुआ कि 2011 के अंदर ना, कौन सा था, लीबिया,
लीबिया के अंदर ना, वहां भी सिविल वॉर हो गया। ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे सिविल वॉर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या है कि आर्मी कंट्रोल ले लेती है अंदर, यानी कि रिबेल्स काफी है। रिबेल्स को सपोर्ट कौन करता है? अभी जो सुडान में भी हो रहा है, उसमें जो ओपोजिशन है डिप्टी वाले, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है पता है? रशिया। हर जगह ये जो वेस्ट एशिया पूरा देखोगे, जहां भी सिविल वॉर होता है, दो पार्टी होती है हमेशा। देखना, दो पार्टी, एक को सपोर्ट करता है अमेरिका, दूसरे को करता है रशिया। अफगानिस्तान में भी यही हुआ, तालिबान को सपोर्ट करता था, करता है आज भी रशिया। कौन करता है? आज भी रशिया करता है, ठीक है। और वहां पे पहले उसको वैसे अमेरिका वालों ने किया था, फिर बाद में, तो मतलब ये जैसे वियतनाम है, वहां भी यही हुआ था अमेरिका और रशिया। कोरिया के अंदर भी यही हुआ था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो अलग बन गए थे। नॉर्थ कोरिया को रशिया सपोर्ट करता था, साउथ कोरिया को अमेरिका करता था। जहां भी झगड़े दिखते हैं ना, वहां पे ये दोनों सुपर पावर पहले बीच में आते थे। अब तो खैर अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा है, इसीलिए कहते हैं हेजेमनी ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये चीज है। तो ये ऑपरेशन सेफ होम कमिंग वॉर टॉर्न जो लीबिया था उससे, ठीक है, वहां से लोगों को वापस लेके आए थे। अगला है ऑपरेशन सुकून। तो सुकून जो है वो लॉन्च हुआ था इसराइल और लेबनन के बीच में, युद्ध छिड़ गया था। इसराइल का झगड़ा होता रहता है क्योंकि ये वाले कंट्रीज ना इसराइल को परेशान करते रहते हैं, लेकिन इसराइल के पीछे है अमेरिका। चाहे हथियार चाहिए, चाहे उनको सैनिक चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, अमेरिका उनको पूरा सपोर्ट करता है। तो इसलिए इसराइल जो है, कोई भी आता है, चाहे सामने सऊदी अरब हो, ईरान हो, कोई सा भी कंट्री आता है, सबको हरा देता है। इतना सा कंट्री है सिर्फ, ठीक है। तो इसराइल और लेबनन के बीच में युद्ध हुआ, तो इंडियंस को बचा के लेके आए, तो वो है ऑपरेशन सुकून। ये चीज हो गई हमारी यहां तक, ठीक है। सुहानी बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए मैंने, एंड गेम में करवा दिए। एंड गेम की 4 क्लास हुई थी, ढाई ढाई घंटे की, आप सो रहे थे, तो आप बेटा जाके देख लो, मैंने करवा दिए हैं। इतने कितने इमोजी बनाए, स्माइल की तरह 50 इमोजी गिन के बनाती है बेटा। इससे बढ़िया यानी कि एंड गेम पे जाके देख लेती यार, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, करें आगे। सुनाओ, चलिए अब ये आगे देखते हैं। तो एक होता है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेत। इसका ये मतलब है कि जैसे कोई एक ज्योग्राफी, मतलब कि इस एरिया की कोई फेमस चीज हो, उसको टैग दे देंगे कि भाई ये इसी चीज की, लाइक बनारसी साड़ी, बनारसी पान, ठीक है, बीकानेरी भुजिया, सांगानेरी प्रिंट, ये सारी चीज, ताकि क्या कि वो चीज वहीं की फेमस हो। लाइक बासमती राइस, की बासमती राइस इसी एरिया का बढ़िया होगा, कहीं और का खाओगे वो बढ़िया नहीं होगा। उसके अलावा जैसे बीच में अभी जंग छिड़ रही थी, एक सिविल वॉर जैसा कंडीशन बन रही थी बंगाल और उड़ीसा के बीच, किसको लेके, रसोगुल्ला को लेके। बंगाली लोग कह रहे थे कि रसोगुल्ला हमारा है, उधर से फिर उड़ीसा वाले कह रहे थे कि रसोगुल्ला हमारा है। तो इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी, इसलिए जीआई टैग किसी को नहीं मिला, दोनों को ही। तो अभी भी जो है रसोगुल्ला अटका हुआ पड़ा है कि मैं किसका हूं किसका नहीं हूं। तो देखते हैं कॉन्ट्रोवर्सी कहां खत्म होगी। तो अभी नए 4 GI टैग मिले हैं। किसको मिले? एक तो तमिलनाडु का फेमस है कुम्बुम ग्रैप। क्या नाम है? कुम्बुम ग्रैप, ठीक है, मतलब कि कुम्बुम अंगूर। ये ऐसे अंगूर होते हैं। तो आपसे ये आ जाएगा कि जो कुम्बुम ग्रैप है वो कहाँ का है, उसको कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का भाई? तमिलनाडु का। फिर एक और है, ये मन्नामदुरई पोट्री है ना, क्या नाम है, मनामदुरई, ठीक है। एक तो ये मन्नमदुरई, मनामदुरई, पता नहीं, समझ ही नहीं आता, खैर साउथ के नाम है ऑब्वियसली, अपने को नहीं आ सकते इतने इजीली। तो मनामदुरई पोटरी, ये कहाँ की है? ये भी है तमिलनाडु की। ये यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है, ये इस तरह की पोटरी है। मुझे तो मटके जैसा मटके लग रहे हैं, पर हो सकता है कुछ अलग उन्होंने काम अंदर किया हो, ठीक है। तो इस वजह से ये वहां की फेमस है, मन्नमदुरई पोटरी तमिलनाडु की। फिर ये वाली बड़ी सुंदर पेंटिंग है, बहुत सुंदर है लिटरली, कहाँ की? गोंड पेंटिंग। तो गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला। और गोंड पेंटिंग कहाँ की बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए तो मध्य प्रदेश क्लिक करना, उत्तर प्रदेश मत क्लिक करना, ठीक है। चलिए अगला एक और है, जो ये आप देख रहे हो, बसोहली पेंटिंग, ठीक है, काफी फेमस पेंटिंग है। गोंड और ये बसोहली दोनों फेमस है। तो बसोहली पेंटिंग कहाँ है? ये जो है जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर में भी कथुआ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट। आप तो जम्मू कश्मीर याद रखना कि ये बसोहली पेंटिंग जिसमें राधा कृष्ण या इस तरह का होता है, ये बसोहली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। आगे है कि जियो सिनेमा हैज अनाउंस इंडियन क्रिकेट रोहित शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा जिस पे आजकल आप आईपीएल देख रहे हो पढ़ाई छोड़ छोड़ के, तो उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? रोहित शर्मा को, ठीक है।
फिर जो टाइगर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने की टाइगर कंजर्वेशन करेंगे, टाइगर रिजर्व बनाए कि टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो, तो जो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था वो हमने बनाया था 1 अप्रैल 1973 को, तो अभी 50 साल हो गए। कितने हो गए? 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेज पे आ जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनके फेवरेट क्वेश्चन है सीयूईटी वालों के। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, फाउंडेशन डे ऑफ आरबी 1 अप्रैल 1935 में, तो 1 अप्रैल को मना सकते हैं वो लोग अपना फाउंडेशन डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये याद रखना कहां का है, 7 अप्रैल को। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, पार्किंसंस डिजीज डे 11 अप्रैल, जलियांवाला बाग की दुखद घटना किस दिन हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल को इसकी 104वीं एनिवर्सरी थी। फिर अगला, भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती किस दिन आती है, 14 अप्रैल को। बैसाखी किस दिन होता है, 14 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, ये अच्छा है, अर्थ डे या इंटरनेशनल मर्डर अर्थ डे कब होता है बेटा, 22 अप्रैल। मैं सवाल पूछूंगा एंड में, ध्यान रखना, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को 73rd संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हमारे कंट्री के अंदर, इसलिए 24 अप्रैल। अब न्यू ईयर, उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, ठीक है, चेटीचंड, नवरेज और सजीबू चिरोबा, ये हम 22 अप्रैल को, मतलब कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को, हिंदू न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और इस बार जो विक्रम संवत कौन सा हो गया, 2018। अब आता है उगाड़ी कहां सेलिब्रेट करते हैं, आंध्र प्रदेश में, कहां करते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र एंड गोवा में, चेटीचंड सिंधी कम्युनिटी करते हैं संत झूलेलाल जी की याद में, नवरे कश्मीरी पीपल, और सजीबू, नोंगमा, पनबा, चिरोबा ये है मणिपुर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज में, तो लीगो जो है कहां बना रहे, लीगो की एक ऑब्जर्वेटरी टाइप होता है, लीगो की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, लेजर इंटरफेरोमीटर, ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं कि हम जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू पता करते हैं, ब्लैक होल का इन्होंने ही पता किया था कि ब्लैक होल ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो लेजर वगैरह डाल के और उसमें टनल जैसा बनाते हैं जमीन के अंदर, तो ये कहां बना रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहां बना रहे हैं, हिंगोली इन महाराष्ट्र, कहां पर है, हिंगोली इन महाराष्ट्र। तो ये क्या है, एक लार्ज फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू डिटेक्ट कॉस्मिक, देखा आगे ना वर्ड, कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स एंड डेवलप ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, खगोलीय, ठीक है, खगोलीय जो ब्रह्मांड के जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उनका पता लगे ना, तो इनडायरेक्टली ब्लैक होल, ठीक है, काला खड्डा उसका पता करते हैं। ठीक है, नितेश भाई कहां रहते हो, बाद में आते हो फिर स्पैमिंग करते हो, बता दिया था मैंने कल मिल जाएगा। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज, ये नीतीश ना नींद में से उठ गया था और भाई 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 वो 60 पेज का पीडीएफ नहीं दिख रहा यार, मैं तो भूल ही गया यार आज, अभी अभी स्पैमिंग करूंगा, अभी स्पैमिंग करूंगा, क्या यार भाई। हाँ, बाकी प्रवेश 1.0 और 2.0 में दे दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 कल मिल जाएगा उनको और यूट्यूब वालों को भी कल पूरा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बने किसके, स्टार स्पोर्ट्स के। आप लोग सोचेंगे एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप ऋषभ पंत में टिक नहीं करेंगे, तो उनका तो हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, हाँ ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हीं को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, बिलीव एम्बेसडर, कौन सा, बिलीव एम्बेसडर। फिर अगला है सचिन तेंदुलकर स्टैंड बनाया गया है, कहां पे बनाया गया, यूएई के अंदर, यूएई में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे 2 नए गेट बनाए, किन फेमस बैट्समैन के नाम पे, एक तो सचिन तेंदुलकर, दूसरा है ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा, ठीक है। फिर है फीफा ने जो है एक्चुअली क्या है, अंडर 20 जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका वर्ल्ड कप कहां बनाने, कहां होने वाला था, हेल्ड कहां होने वाला था बेटा, वो होने वाला था आपका इंडोनेशिया में, लेकिन अब वो होगा अर्जेंटीना में, कि भाई तेरी बस की नहीं है, तू नहीं करा पाएगा, तो इसलिए इनको बोला कि भाई हम करवाएंगे अब अर्जेंटीना में। तो अभी जो है आपका वर्ल्ड कप कहां होगा बेटा, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये होगा अर्जेंटीना में, ठीक है। फिर हमारी एक बैट्समैन है विमेन क्रिकेट टीम की, हरमनप्रीत कौर, इनको इतना बड़ा एक खिताब मिला है विजडन का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन एक बहुत बड़ी संस्था है उसका है, तो इसलिए ये मैंने जानबूझ के कवर किया है, फर्स्ट इंडियन विमेन है जिनको ये इस तरह का टाइटल या अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला हम अवार्ड पे चलते हैं, तो एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है
ठीक है, उनको इंटरनेशनल प्राइज स्टेट्स में, सांख्यिकी में, स्टेटिस्टिक्स में प्राइज मिल रहा है। तो नाम क्या है उनका, ये इतना नाम मत याद रखो, कल्यम पुड़ी, पानी पुड़ी, राधा कृष्ण, ऐसे मत याद रखो। आप तो बस ये याद रखो सीआर राव, क्या याद रखना है, सीआर राव, ये नाम याद रखना, ठीक है। नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा ये कल्यम पुड़ी पुड़ी, ठीक है, राधा कृष्ण राव, ठीक है, आप कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो भाई, सब्जी पुड़ी कुछ याद गलत नहीं रख रहा है, ठीक है। आप तो बस सीआर राव याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला है आशा भोंसले जी, बहुत बहुत फेमस सिंगर है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा गाती, लता मंगेशकर के बाद इन्हीं की सबसे अच्छी आवाज है। तो आशा भोंसले जी को जो मतलब लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड स्टार्ट हुआ था ना बेटा, तो वो सेकंड टाइम पे अवार्ड दे रहे हैं, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम दिया था, तो अभी सेकंड टाइम किनको दिया गया, वो आशा भोंसले जी को दिया गया, ठीक है। उसके अलावा फेडेक्स को सीईओ कौन है बेटा, ध्यान रखना, राज सुब्रमण्यम, और इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर इंडिया का नाम रोशन किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अगला है ये दीदी, इन दीदी को जो है फेमिना मिस इंडिया टाइटल मिला है 2023। तो मिस इंडिया कौन है इस साल की, नंदिनी गुप्ता, गुप्ता जी की लड़की है, कोटा की है ये, ठीक है। इन्होंने भले ही नीट जेईई की तैयारी नहीं की हो, लेकिन नाम अपना कर लिया है नंदिनी दीदी ने, ठीक है, नंदिनी गुप्ता दीदी, ठीक है। चलिए आगे आता है गवर्नमेंट स्कीम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो है अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा विलेज है, किबीतू, कहां पे लॉन्च किया, अरुणाचल में है ये, किसके बारे में वो बता देता हूं। वाइब्रेंट विलेज मतलब कि जो चाइना के साथ बॉर्डर पे है ना, ऊपर से हम देखें लद्दाख यूनियन टेरिटरी, फिर आए तो हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाता है, तो छोड़ो, फिर आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान आ गया, वो भी छोड़ो, फिर आ गया अरुणाचल। तो इन स्टेट्स के अंदर जो भी विलेजेज है, तो वहां पे क्या माइग्रेशन हो रहा है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, टूरिज्म भी इतना नहीं है बॉर्डर एरिया, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू ये कर रहे हैं कि उन्हें सिटी जैसी फैसिलिटी वहां मिले, ताकि वो शहरों में ना जाए, माइग्रेशन ना हो, उसके अलावा वहां टूरिज्म के भी एवेन्यूज हम जनरेट करें, ताकि लोग वहां टूरिज्म की तरह और लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल्स बनेगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, और गाइड बनेंगे, शेयर पास बनेंगे, इसलिए। तो ये इसके बारे में बेटा, तो आइडिया लग गया, हो गया, कहां कहां है देखो, अरुणाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, एज आई टोल्ड यू। गोल मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, एक तो माइग्रेशन, स्टॉप माइग्रेशन, प्रमोट टूरिज्म एंड प्रोवाइड ऑल बेसिक फैसिलिटीज लाइक सिटीज में जो होती है बेटा, ठीक है। अब अगला आता है लिस्ट ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट, तो LIC के नए चेयरमैन बने हैं, LIC के नए चेयरमैन, LIC की फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि जीवन बीमा निगम। तो कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंत, ठीक है, सिद्धार्थ मोहन, ठीक है, याद रखना, सिद्धार्थ मल्होत्रा मत कर देना तुम लोग कहीं, ठीक है, कायरा के चक्कर में, तुम लोग करना सिद्धार्थ मोहंत। चलिए आगे चलते हैं, ओबिचुरी जिनकी डेथ हुई हो, ये है केशव महिंद्रा, केशव महिंद्रा कौन थे ये पूछ ले, आप बोलना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक यही थे, ठीक है, जो आप देखते हो ना स्कॉर्पियो, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक थे। उसके अलावा कंट्री के ओल्डेस्ट बिलीनियर, सबसे बूढ़े अमीर इंसान यही थे, ठीक है, तो ये चीज होगी। आगे चलते हैं, अब आते हैं इनके बारे में, ये थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, सबसे कम उम्र में पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी यही बने थे 43 की एज में, और सबसे बूढ़े चीफ मिनिस्टर भी यही थे 84 की एज में बने थे, शिरोमणि अकाली दल इन्हीं का था, ठीक है, आपसे आ सकता, प्रकाश सिंह बादल कहां के चीफ मिनिस्टर थे, तो पंजाब के थे, ठीक है। तो ये कौन थे, एक तो पॉलिटिशियन थे, है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, ही वॉज यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर, बस ये इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। फिर आते हैं बुक्स के बारे में, ये दो बुक्स है, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए माएस्ट्रो, ये बुक किसने लिखी है, बोरिया मजूमदार, किसने, बोरिया मजूमदार, बोरी बोरी नहीं करना है, बोरिया मजूमदार, ठीक है। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में है, जब वो राज कर रहे थे यहाँ पे, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, उसके बारे में किसने लिखी है बेटा, नंदिनी दास ने, किसने लिखी है, नंदिनी दास, ठीक है। अगला आता है डिफेंस के बारे में, तो एक एक्सरसाइज कोप इंडिया करके, एक्सरसाइज कोप इंडिया, ये हमने की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, एक्सरसाइज कोप इंडिया। फिर अगली है सिलिनेक्स, ये हमने की श्रीलंका के साथ, इसको तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो SL का मतलब हो गया श्रीलंका, IN का मतलब हो गया इंडिया, EX का मतलब हो गया एक्स, एक्स मतलब आपकी एक्स नहीं, एक्स का मतलब हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। और कोई डाउट है यहां तक,
अगला आता है इंडेक्स के बारे में, बस अब हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म वाले वीडियो कराया है मैं, फुल फॉर्म का बेटा आपको ना, अगर आप यूट्यूब पे हो तो कल आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सारी दुनिया की सारी फुल फॉर्म मिल जाएगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी प्रवेश में तो मिली गई थी फुल फॉर्म, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, वो तो निकालता है यूएनडीपी, लास्ट ईयर सवाल आया था कौन निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान रखना बस, विश्व बैंक, ठीक है। चलिए फिर अगला, अब लास्ट न्यूज है हमारी आज की, सिप्री रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। पीस है कि नहीं है दुनिया में, तो मिलिट्री पे कौन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री मतलब कि वो जो सेना के उपकरण वगैरह खरीदने, ये सारा इन पे मतलब सेना पे कितना खर्चा है, चाहे वो एयरफोर्स हो, ठीक है, नेवी हो या आर्मी हो, कितना खर्चा सबसे ज्यादा करता है अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है ये पूछ सकते हैं, तो इंडिया जो है चौथे रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री स्पेंडिंग में, फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरी बात यूएस, चाइना और रशिया तीनों मिला के पूरे वर्ल्ड का 56% ये तीनों ही मिला के खर्चा कर रहे हैं आर्मी पे, ठीक है। आगे चलू मैं, बस अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग रेडी हो क्वेश्चंस के लिए, अपन जो है 8-10 सवाल कर लेते हैं, फिर आपके कोई डाउट होंगे वो लूंगा मैं बेटा, ठीक है, जो भी आपके डाउट हो सिटी इंडिमेंशन से रिलेटेड या एग्जाम कैसे क्या वो लेंगे, ठीक है, और कोई आपकी फरमाइश होगी तो जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, इस क्लास के नोट्स कब मिलेंगे, अभी करवा दूंगा सर, प्रवेश बैच में जो नोट दिया है उतना ही है क्या, और दो क्या बेटा, वो पार्ट वन था यार, तुमने ध्यान से नहीं देखा क्या, उसमें लिखा था पार्ट वन, पार्ट टू और दूंगा ना मिश्रा जी, ठीक है, करें सवाल। ओके चलिए, ठीक है, ई का हो गया, अच्छा एक जैसे, ठीक है ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर, ये पता नहीं कौन सा चल रहा है, चलिए ये आ गया। अब ये है पहला सवाल, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसका बताइए, जान सिफारिश जो करता, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सबका सही है, बिल्कुल सही, इंडिया चौथे नंबर पे है, फर्स्ट पे था यूएस। अच्छा दूसरी बात बेटा, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, जल्दी से बताओ मेरे को, स्टॉकहोम कैपिटल किसकी है, जल्दी बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, कैपिटल ऑफ ओ 89%, वेरी गुड, तनिषा हार्दिक द्रा एंड सुरभि मुकुल पार्थ, क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ यार, जल्दी बेटा, प्लीज प्लीज जल्दी, कम ऑन कम ऑन, फटाफट इसको कंप्लीट कर दे फिर आपके डाउट, वेरी गुड एक्सीलेंट, कैपिटल ऑफ स्वीडन, सही है। चलो अगला सवाल, आपके स्क्रीन पे ये रहा और टाइमर ये रहा, चलिए स्टार्ट कीजिए, ये बताइए इसका करेक्ट आंसर, कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, एबीसीडी के फॉर्म में दो, एबीसीडी के फॉर्म में, ए बी सी डी, जल्दी दो एबीसीडी के फॉर्म में दो, ए बी सी डी, हाँ हाँ दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो, बहुत सही, गाइस कम ऑन, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैक्सिमम का सही है भाई, 99% का सही है, बहुत सही, फिनलैंड है 31वां मेंबर, 31st मेंबर, वेरी गुड, तो बी आंसर कितने बच्चा लोग दिए हैं लेटेस्ट, वेरी गुड 80%, वेरी गुड, ये बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले और करेक्ट आंसर दिया। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये है शेरपा G20 के, कौन है जल्दी से बताइए, आप लोगों को बहुत जल्दी बताना होगा, जल्दी कमन सही बताना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, पहले किसी जमाने में शेरपा थे पीयूष गोयल, लेकिन अभी प्रेजेंटली कौन है, चलिए इसका आंसर दीजिए, कमन गाइस बी क्विक, यस, वेरी गुड एक्सीलेंट, 90% 95% का सही है, यस, तो शेरपा कौन है, मैंने अभी बताया था, इट्स अमिताभ कांत, ठीक है अमिताभ कांत है, चलिए डी आंसर कितने बच्चों ने दिया है, ये पोल जो है हमारा हैंग हो चुका है लगता है, डी आंसर, ओ 60% ही, बी पे कहां पहुंच गए तुम लोग यार, चलिए आयुष रमन तनिषा ये सारे वो बच्चे, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये बताओ ऑपरेशन सूडान से वापस लाने के लिए लोगों को
सुडान में जो ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका नाम बताओ। कौन सा ऑपरेशन था सुडान से इंडियंस को वापस लाने के लिए? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी, कम ऑन क्विक, हाउ द जोश। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, करेक्ट, डी ऑप्शन। कितना बच्चा लोग लगाए देखते हैं। एक तो इसका जोश बहुत ढीला यार, ये बहुत ढीला है भाई, 85%। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आप लोग कीजिए 45 seconds, क्विक ये करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 24 अप्रैल 1992 को आया था, तो इसी वजह से हम सी आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो सी आंसर दिया है। 51% यार, क्या कर रहे हो बेटा, इतना गलत कर रहे हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब ये बताओ, वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन मनाते हैं? वल्ले 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 वल्ले। चलिए इसका क्या आंसर आ रहा है? ए बी सी डी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 22 अप्रैल को ये हमने अभी देखा था, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या अर्थ डे, तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कितने बच्चे लोग दिए हैं करेक्ट? 75%, एक्सीलेंट। ये वो बच्चे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बताइए आप हमको, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट कौन निकाला? विश्व विकास रिपोर्ट कौन निकालता है भाई? ठीक है, चलिए ये बताइए हमको, कौन निकालता है? ए निकालता है कि बी निकालता है कि सी निकालता है कि डी निकालता है? ए हो गया वर्ल्ड बैंक, बी हो गया IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल नीचे ही है बेटा, पायल करो बेटा, पायल। तो करेक्ट आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक, अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था। वेरी गुड, 69%। पलक उन्नीत, ये सारे बच्चे, अब देखते हो गया क्या? हाँ, दैट्स इट गाइस, कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं लीडर बोर्ड, ये हो गया, ठीक है। और आपके कोई डाउट हो तो पूछो यार, आप लोग डाउट पूछेंगे नहीं पर फरमाइशें जरूर करेंगे। अभी देखना, तुम देखना, एग्जाम है। कुछ बच्चे तो बेचारे स्ट्रेस में यार, सर हमारा तो पहले ही दिन, सुबह सुबह पहले ही पेपर है, सर क्या करें, परेशान है हम। हाय सर, इतना सफिशियंट है? हाँ सही बात बताऊं यार, अप्रैल महीने में इतनी अच्छी न्यूज़ें थी नहीं ज़्यादा, मार्च में थी, फरवरी में हम कह सकते हैं, जनवरी में थी, अप्रैल में इतनी न्यूज़ नहीं थी। तो जितनी थी अच्छी न्यूज़ जो कि आपके आनी चाहिए, वो मैं सारी लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ फर्जी न्यूज़ भी हो सकती है इनमें से भी उल्टा, अप्रैल में इतनी ज़्यादा न्यूज़ इस बार थी नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या हुआ, वो नाटो वाला हो गया, फिर वैक्सीन वाला हो गया, और क्या हो गया, एक वो ट्रेन वाला हो गया, फाइड्रा हो गया, सॉरी फेरी वाला, तो ये था, ज़्यादा कुछ था नहीं। टॉपर तनिषा, वेरी गुड, फिर स्मृति, फिर रिया, फिर मयंक, IDK, अर्चना, SKG, मुकुल, अनिकेत, इवांशी, कुशाग्र, DRA, क्रिश्चियन ग्रे, एंजल, पार्थ, पलक, शलेशा, विशाल, चंद्रशेखर, बबुल, अंजलि, प्रत्यय, रैंडम आर्ट्स, प्रणव, खुशबू, SG मिश्रा, जिग्नेश, यस, आशीष, कोरोना किंग, शी जिनपिंग, मुदस्सिर, समृद्धि, प्रिया, पलक, पूर्णा, मोहित, अभिनव, मनस्वी, हार्दिक, बनिया जी, खुशी,
समीर, स्टबॉन, दीपांजलि, मनीषा, पीयूष, जतिन, मरियम, मैडोना खन्ना। वाह मैडोना खन्ना, वाह अच्छा है, सही है, बढ़िया है। सर सर मैं आ गई, स्वागत है आपका। ठीक है, प्लेन शीट पे क्या क्या लिखना है इब्राहिम भाई? प्लेन शीट पे ना यार मैं बता देता हूँ यार, जितना अगर तुम्हारे इतनी अंदर गट्स है ना भाई कि तुम है ना जो एग्जामिनर वहां पे जो बैठा है ना, जो वहां पे एग्जामिनर होता है देखने के लिए ऐसे खड़ा खड़ा इधर जो गंदी आंखों से देखता रहता है, ठीक है, कि कौन क्या बदमाशी कर रहा है, तो उससे बचा बचा कि जितना लिख सकते हो ना वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप लिख लेना ABCD पूरी लिख लेना, और इनके नीचे नंबरिंग है ऐसे 1 2 3 4 ये लिख देना। फिर भी तुम्हें टाइम मिले तो फिर तुम एक काम कर लेना कि है ना स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लिख लेना, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तुम्हें याद ना हो तो। फिर भी तुम्हें अगर मिल जाए टाइम और मौका तो टेबल मतलब कि पहाड़े, पहाड़े लिख लेना, ठीक है। फिर भी तुम्हें टाइम मिल जाए भाई तो तुम फॉर्मूला भी लिख लेना कोई, जो तुम्हें यानी कि ऊपर ऊपर से याद हो कि हाँ यार ये फॉर्मूला बना के अगर ला सकते हो तो यार ये लिख लेना अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो। मैं तो इतना ही बोलूंगा। इतना लंबा मैसेज मिश्रा जी मत लिखो यार, दूसरों का भी छुप रहा है और खुद का भी ऊपर चला जा रहा है। सर एग्जाम एक ही दिन पहले मैथ्स का मैराथन करवा देना। मैथ्स का मैराथन करा दिया बेटा, कितनी बार कराऊंगा, कोई आएगा ही नहीं देखने। प्रणाम सर, एक ही स्लॉट में दो पेपर कंटिन्यूसली होंगे? हाँ ऑब्वियसली कंटिन्यूस होंगे, अब क्या है 2 घंटे का पेपर है, कोई बड़ी नहीं है। सर चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं यार, ये तो स्मार्ट वर्क कहते हैं, इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। सर जिनका 24 तक सिटी अलॉटमेंट नहीं आया उनका आएगा ना, अभी 24 को भी नहीं आया, ऐसा नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग के 4 दिन का दिए, मुझे लगता है फिर 1 हफ्ते का एक साथ ही दे देंगे ये लोग, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर यानी कि 24 को भी नहीं आया तो मतलब सीधी सी बात है कि आपका 28 को भी बात होगा, 29, 30, 31 ऐसा हो सकता है, 4-4 दिन का स्लॉट, 4-4 और 3 दिन का स्लॉट, ठीक है। ये क्या है, इतने फास्ट कमेंट जा रहे हैं, हम आएंगे आओ, ठीक है सर। ब्लड रिलेशन, जितना ब्लड रिलेशन यहाँ खून बहा रहे हो तुम, इतना तुम वहाँ पढ़ने में लगते ना ध्यान बेटा, तो ब्लड रिलेशन हो जाता। रोशन भाई, ब्लड रिलेशन में बच्चों को देखो कितना इजीली समझ आया, ध्यान दो बेटा थोड़ा उसमें, चीजों को ऑब्जर्व करो और हिंदी में कर बेटा, है ना। मेरा 21 को ही 5 पेपर है, बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सर ये जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए पता नहीं क्या था। सर सीटी, इतने फास्ट कमेंट जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को धीरे धीरे देखना पड़ेगा, माउस यूज करना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं किसने क्या किया, एक मिनट रुक जाओ। अरे मैं कहाँ से हूँ प्रशांत भाई, उससे क्या करना है भाई, तू सवाल पूछना बेटा। सर सीयूटी के थ्रू, अच्छा बीटेक कॉलेज मिल जाएगा, मिल जाएगा, पढ़ो तुम। सर सीटी में ना ऑल सब्जेक्ट नहीं है मेंशन, तो ऑब्वियसली इस पे मैंने वीडियो बनाया था बबलू, सुबह जाके देख, वो सुबह मैं वीडियो बनाया था उसको देखना, दोपहर में वीडियो आ गया था, ठीक है। सर लीट का कब होगा, लीट पता नहीं क्या है, चलिए। NTA इज वर्किंग सो अनप्रोफेशनल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू जय भाई। कल ये लोग लिखते हैं कि आपका इंटीमेशन स्लिप आज नहीं आया, कॉन्टेक्ट NTA। अरे भाई तुम 15 लाख बच्चों को बोल रहे हो कॉल करो हमें, भाई क्या है तुम्हें, क्या किस चीज का है ना फुटेज खा रहे हो तुम इतना कि हमें कॉल करो भाई। अरे आज इन्होंने लिख दिया कि यानी कि आपका जो है लेटर आएगा, तो ये पहले ही लिख देते तुम कि तुम्हारा कॉल लेटर जो है या फिर तुम्हारा सिटी इंडिपेंडेंस स्लिप लेटर आएगा, ठीक है। और क्या है सर, 22 को सिर्फ 3 एग्जाम ही दे रखे हैं, बढ़िया है। चलो कहाँ मिलेगा जनरल टेस्ट नोट्स? हाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और बताओ सर सॉन्ग, अरे वो कर देंगे सर, ABCD लिखेंगे तो एग्जामिनर कुछ थोड़ी बोलेगा, अरे उससे छुपा छुपा के लिखना, वैसे तो कुछ नहीं बोलेगा पर कई है ना सनकी होते हैं एग्जामिनर, तो इसलिए उनसे छुपा के लिखना, डर लग रहा है तो डर का माहौल तो होना चाहिए, ठीक है। सर कंपार्टमेंट है, सर मेरी टोटल 5 सब्जेक्ट 2 ही शो रहा है, तो निकिता बेटा मैंने वीडियो सुबह बनाया था वो देखो एक बार, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 2 ही क्यों दिख रहे हैं, यू ऑल सब्जेक्ट। हाँ रचित, जितने भी एग्जाम का फॉर्म भरा है ना सबका एग्जाम तो दे ही है ना, भले ही क्या है 200 में से 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, मैथ प्रिपेयर नहीं है तो बेटा कर वो मैराथन वगैरह देख ले सारे सब कुछ, कंपार्टमेंट आइए कोई नहीं, दोबारा एग्जाम देना और क्या, वो जो जिसमें आइए। झोल लग रहा है सर, ठीक है कोई नहीं होता। SBTU कानपुर में कितना कट ऑफ है नहीं पता। चलिए सर मेरे आते ही तो आपने क्लास ही खत्म कर दी, तो आप भाई साहब कहाँ सो रहे थे चौधरी जी? सर कॉमर्स वालों को कहा नहीं आया है क्या? ऐसा नहीं है जो मतलब आ जाएगा, नहीं आया तो ठीक है, ठीक है।
सर्कल क्लास की पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी प्रियंजलि बेटा? वो आपको अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे ग्रुप है PWCUET वाला, वहां जाना बेटा, तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और बता। सुहानी सीटी इन्फॉर्मेशन नहीं आया? अरे बेटा जाना फिर, मेरे सुबह वीडियो बनाया था उस पर देखना बेटा, है ना। एग्जाम में कितनी शीट मिलती है दिनकर भाई? जितनी चाहोगे, अगर तुम हर 5 मिनट में बोलोगे ना शीट रफ शीट देंगे, जितनी रफ शीट मांगोगे उतनी देंगे। तुम भरते भरते थक जाओगे लेकिन एग्जामिनर देते देते नहीं थकेगा, ये याद रखना। ठीक है, और डाउट पूछो। हिंदी नोट्स वो एक दिन और उसमें एक्स्ट्रा लगेगा बेटा। ठीक है, और बताओ DU में कैसे होगा? कंपार्टमेंट आइए, DU में तो हो जाएगा ना, पास तो हो जाओ पहले। अच्छा हाँ, कंपार्टमेंट आया फिर तो शायद मुश्किल है। क्या कह रहे हैं आप किशोर भाईजान? इमरान भाईजान तो जनता के बंदे हैं। वाह, चलिए सर अब हो गया शायद, आई गेस हो गया सबका डाउट, है ना। और भी कुछ है सर? आपने बहुत सारी मैराथन ले रखी, मैथ की एक ले लो। अरे बेटा ले ली सिद्धार्थ भाई, प्लीज यार, मैंने है ना 4 क्लास में तो पूरा मैथ्स कराया था, और फिर 1 क्लास में वो सारे फॉर्मूला शीट करा दिए थे यार। बेटा देखो जाके, मैंने मैराथन रीजनिंग की कराई थी, करंट अफेयर्स की सैटरडे को कराई है, और मैथ्स की भी कराई है, सबकी करा दी यार भाई। बुक भी लिख रहा हूँ, अब वो बुक कंप्लीट हो जाएगी मेरी, आज रात में कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। कल एकदम नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें सारे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ऐसे नोट्स दूंगा उनसे बाहर आने के चांस कोई 1% हो सकते हैं, 99% उसमें से आ जाएगा। ठीक है, उनको रगड़ देना जितना रगड़ सकते हो, एक दिन में कंप्लीट कर देना, फिर अगले दिन फिर पढ़ना, तीसरे दिन और पढ़ना, रोज उनको पढ़ना, सबको जब तक कंप्लीट करके रख देना। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। चले फोन का रख दिया, थैंक यू सर। हाँ, और बाकी कोई नहीं, जितना है ना ज्यादा लोड मत दो, पेपर बहुत ईजी आएगा भाई, पेपर ना बहुत इजी आएगा। ओके, सॉन्ग सॉन्ग गाए क्या यार? फिर वही मैं रोस्ट करने लग जाऊंगा यार। कोई यहाँ पे शाहरुख भाई का फैन हो तो वो चले जाओ। देखो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ शाहरुख सुपरस्टार शाहरुख सर की, ठीक है, लेकिन जो शाहरुख भाई के फैन है वो जा सकते हैं। नॉर्मल एक रोस्ट वीडियो, इसका कोई वो पर्सनल ऐसा कुछ नहीं। आई रेस्पेक्ट, मैं उनकी मूवीज देखता हूँ, बादशाह मूवी उनका आज भी फैन हूँ उनकी, बादशाह मूवी का। तो उनका एक गाना है भाई, ठीक है, अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तो उसमें आगे पंक्तियां सुनो एकदम बिल्कुल, यानी कि ट्रू ब्लू निब्बे वाली लाइन से अर्ज करता हूं, ठीक है, वो भी आएगी आगे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पलकें बिछाऊं। हर निब्बा यही कहता है, ध्यान रखना, ठीक है, तुमको बुलाऊं पलकें बिछाऊं। भाई पलकें इतनी सी होती है, कैसे बिछाएगा वो बेवकूफ बना रहा है भाई, ध्यान रखना। ये सारी लड़कियों के लिए एक मैसेज है, ये जो निब्बे लोग होते हैं वो यही बोलेंगे, मैं पलकें बिछाऊं। आगे सुनो उनके टिपिकल डायलॉग, ठीक है, पिकअप लाइंस। हाँ, के पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं, जमी को आसमां बनाऊं। भाई कैसे, मतलब हाई होगा क्या, मतलब कैसे क्या आसमान पे, मतलब कुछ भी, जमीन को आसमान बना दूंगा भाई, तू क्या भगवान है क्या? फिर है कि सितारों से सजाऊं, ये हर निब्बे की आदत होती है भाई, कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, जमीन पे बिछा दूंगा। भाई कुछ भी यार, वो आग के गोले होते हैं यार, यूं थोड़ी इतना सा होगा तुम ऐसे लाके बिछा दोगे, तुम जितने हो तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, उस चांद तारे के सामने। अगला, हाँ, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, मैं ऐसा कोई गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं, ओ ओ ओ ओ ओ। ये बीच में देखो बॉलीवुड का सिग्नेचर स्टाइल, ओ। फिर मैं तितलियों के पीछे भागूं, भाई कोई काम धंधा नहीं है, तितलियों के पीछे भाग रहा है यार, तितलियां भी सोच रही होगी यार कितना खाली बेकार बंदा है यार, वो भी जाके है ना लड़की को बोलेगा भाई इससे तो मत बात करना तुम, ठीक है, इस निब्बे के चक्कर में मत पड़ना। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। भाई कभी तितलियों के पीछे भाग रहा है, कभी जुगनुओं के पीछे भाग रहा है, भाई पता नहीं क्या हो गया, क्या खा लिया इसने। ये रंग है वो रोशनी, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबू है, पता नहीं क्या है आगे, ये सब छोड़ो अब, फिर ज्यादा हो जाएगा सही बताऊं तो, ठीक है। तो ये कहानी है निब्बों की, सो खत्म करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को है ना
आप लोग अगर मेरे से इंस्टा से जुड़े हुए हो ना, तो मैं आपको है ना कल इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैंने आप यानी कि पीडीएफ डाल दिया है टेलीग्राम पे, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैं इंस्टा पे स्टोरी लगा दूंगा कि मैंने अपलोड कर दिया, बाकी आप कल देख लेना, आपको 3-4 बजे तक मिल जाएगा, 3 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। वो जीके के नोट्स मिल जाएंगे, प्रवेश में भी मिल जाएंगे, 1.0 2.0 में। ओके बेटा चले आप, सर लॉ पढ़ाइए कंसल्टेशन, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू। कल अगर यानी कि मेरी क्लास हुई तो मिलेंगे, नहीं तो परसों मिल लेंगे। पेपर वो जो बच गया था वो केबीसी वाला आधा पेपर, 28 सवाल किए थे, वो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में।